नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और सोचो, एक ऐप को खोलकर आप सेल्फी लेने जा रहे हो और तभी कैमरे में आपके साथ आकर आपके परिवार का वो इंसान खड़ा हो जाए जिसकी मैयत में आप आए हो, तो क्या हाल होगा आपका? वो भी कुछ ऐसे। डरावना है ना, पर इससे भी डरावनी है ये गुड़िया। क्या आप इस श्रापित गुड़िया को पालना चाहोगे? अब अगर आप यहाँ हाँ बोलने वाले हो तो पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि जिस ऐप में ये गुड़िया रहती है उसका ये कहना है कि अगर एक बार ये श्रापित गुड़िया आपकी जिंदगी में आपके फोन में आ गई तो फिर आपके ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। और अब सोचो, एक बच्चे के कमरे से ऐसी आवाज सुनकर आपका क्या हाल होगा? Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. लेकिन ये आवाज सच में एक 7 साल के बच्चे के रूम से आई थी, जिसके बाद उस बच्चे की माँ की जान हलक में आ गई थी। पर ये डरावनी आवाजें और फोटो किसी फिल्म के नहीं है, ये सब सच में है और ये सब ऐप में है। इसलिए तो आज बात होगी ऐसे डरावने ऐप्स की, जिसके बारे में जानकर ना सिर्फ आपका दिल जोरों से धड़केगा पर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नंबर 1, विद मी। एक मरा हुआ इंसान मर के भी नहीं मरता, क्योंकि आपके फोन में वो हर वक्त कैद रहता है और कुछ ऐसे रहता है कि आप जब भी अपनी तस्वीर लोगे तो ये इंसान आपको आपके साथ फोटो में नजर आएगा। मतलब मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं तो वो इंसान आपके साथ आकर ऐसे पोज करेगा। पर जानते हो वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके पूछने पर उसने खुद आपकी ये बात मानी थी। मैं यहाँ किसी तंत्र मंत्र की बात से ऐसा करने की बात नहीं कर रहा, असल में ये एक ऐसे ऐप से होता है जिसको यूज करने वाले का कोई भी करीबी उससे कभी दूर नहीं जाता और आप जब चाहे तब अपने करीबी इंसान को पास बुला सकते हैं। यानी इस ऐप के जरिए स्वर्ग में रहने वाला इंसान भी आपके फोन की वजह से आपके साथ 24 घंटे रह सकता है। पर इस ऐप को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इस विद मी ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया तो इसलिए था कि इसकी मदद से अपनों के गम में खोए हुए लोगों को उससे बाहर निकालने में आसानी हो। पर 24 घंटे एक मरे हुए शख्स के साथ रहना किसी को भी गवारा नहीं होता। और तो और, क्या आप इस ऐप की सबसे बड़ी खामी को जानते हो? वो खामी है इसका टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे अपने फोन में किसी को कैद रखना, क्योंकि इससे आप ही अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तस्वीरें आपको ऐसा करने ही नहीं देंगी। तो क्या आप भी किसी मरे हुए इंसान को इस तरह हमेशा अपने फोन में कैद करना चाहोगे? नंबर 2, गर्ल अराउंड मी। लड़कियों, फेसबुक और 4Square डेटा नहीं है तुम्हारे लिए सेफ, क्योंकि इससे स्टॉकर्स पड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे। और ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल अराउंड मी इस ऐप को एक डेटिंग ऐप का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन जानते हो, ये ऐप अपने मेल यूजर्स को लड़कियों के रियल टाइम लोकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज देता था। यानी इन्फॉर्मेशन उनकी स्कूलिंग की हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की या उनकी करंट लोकेशन की, हर चीज हर वक्त इस डेटिंग ऐप से एक अनजान इंसान को फोन स्क्रीन पर उपलब्ध रहती थी। और पता है, इस ऐप का सबसे पार्ट था इसका प्राइवेसी नॉर्म्स को क्रॉस करना। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये ऐप मेल यूजर्स के आसपास रहने वाली लड़कियों की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उसकी गैलरी का डेटा सब कुछ कलेक्ट करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये ऐप अपने आप ही यूजर्स के पसंद के हिसाब से लड़कियों को मैसेज भेज देता था। यानी एक लड़की हर वक्त अनजान के साए में रह रही होती थी, जो हर वक्त हर जगह, चाहे पार्टी हो या क्लब या ऑफिस या फिर उसका अपना घर, उस पर नजर रख सकता था। और जानते हो, इससे भी ज्यादा वर्स्ट क्या था, लड़कियों को ये तक पता नहीं होता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उन्हें स्टॉक कर रहा है और उनका स्टेटस किसी बंदे के फोन में अवेलेबल दिख रहा है। मॉस्को आईफ्री कंपनी में बने इस ऐप को प्राइवेसी लूपहोल्स के चलते 2012 में काफी क्रिटिसिज्म और बैकलैश झेलना पड़ा था, जिसके बाद कंपनी ने खुद ही अपने इस क्रीपी और वियर्ड ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। नंबर 3, जैपनीज डॉल। गुड्डे गुड़ियों का खेल बचपन में तो सबने जरूर खेला होगा, लेकिन अगर वही गुड़िया श्रापित और डरावनी हो और आपको सच में अपनी माँ मानने लगे तो? हालांकि ये गुड़िया असल दुनिया की गुड़िया नहीं है, बल्कि एक गेम ऐप में जैपनीज डॉल की गुड़िया है, जो गेम के एंड में आपको ये बताती है कि वो अपनी माँ के पेट में है। और पता है कि इस गुड़िया की माँ कौन है? आप, जो कि इस गेम को खेल रहे हो। जहां इस श्रापित गुड़िया के खेल को खेलने के लिए यूजर्स को कैंडल्स कलेक्ट करने होते हैं, और इसी कैंडल्स को कलेक्ट करने की वजह से फिर एक लेवल पर जाके ये गुड़िया धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जहां पहले आता है इसका शैतानी दिल और फिर उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। एंड जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता है, इस डॉल का अजीब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जिसे देखकर खेलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खेलने वालों के रोंगटे खड़े करने वाले इस खेल में बॉस स्टेजेस
को पार करने के बाद एंड लेवल आता है, जिसमें ये डॉल एक पोर्सलेन बन जाती है और स्क्रीन के एकदम पास आकर जैपनीज लैंग्वेज में शायद ये क्लेम करती है कि उसे काफी दर्द हो रहा है और उसके अंदर कुछ तो है। और फिर देखते ही देखते इस डॉल के चेहरे पर दीवार की ही तरह दरारें आने लगती है और अचानक ये डॉल एक बूढ़ी बच्ची की तरह नजर आने लगती है। जिसे आप चाहे तो मार सकते हैं या उसे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इस गेम का एक क्लेम ये भी है कि आप इसे मारने या अपने साथ रखने के ऑप्शन में से कुछ भी चुनो, ये डॉल हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहेगी, फिर चाहे मर के या फिर जिंदा रह के। ये सोच कर ही डर लगता है कि एक श्रापित गुड़िया 24 घंटे आपके साथ रहेगी, लेकिन इस गुड़िया के साथ 1,00,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। मेरा मतलब है इस खेल को खेल रहे हैं और उन्हें डरावनी गुड़िया इतनी अच्छी लग रही है कि उन्होंने इसे प्ले स्टोर पर 4 से भी ज्यादा रेटिंग्स दी है। पर क्या आप ऐसी श्रापित गुड़िया के साथ रहना चाहेंगे? नंबर 4, ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। चैन की नींद देने वाली चीज अब उड़ा रही है लोगों की नींद, नहीं समझे? वेल, इस ड्रीम टॉक रिकॉर्डर ऐप का मकसद था सोते वक्त इंसान की बातें और उनकी आवाजों को रिकॉर्ड करना, ताकि लोग अपनी आदतें जैसे खर्राटे लेने की आदत सुधार पाएं। लेकिन इस ऐप ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड कर ली जिसने लोगों की नींद ही उड़ा दी। जहां इस ऐप के एक यूजर का कहना है कि उसने इस ऐप से अपने आप को नींद में उन लैंग्वेजेस में बात करते हुए सुना है जो ना उसे आती हैं और ना उसने कभी सुनी है। अब आप खुद ही सोचिए, जो लैंग्वेज आपको आती तक नहीं, आप नींद में उसमें बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में ही कितना अजीब है और दिल दहला देने वाला। और ये वाकया ऐप में मौजूद एक फिल्टर की वजह से सामने आया था, जो शांत एनवायरनमेंट में ज्यादा हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसके इसी फीचर की वजह से और कई लोगों ने अपने आसपास से ऐसी आवाजें सुनी हैं जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता ही नहीं था। आप चाहे इसे क्यूरोसिटी कह लो या बहादुरी, इस ऐप को 1,00,000 से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने आसपास मौजूद पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता लगा सकें। नंबर 5, लाइक क्रीपर। स्टॉकर हो, स्टॉकिंग करना पसंद भी है, लेकिन स्टॉक करने की फुर्सत नहीं है तो भाई चिंता की बिल्कुल नहीं है बात। स्टॉक करने में लाइक क्रीपर देगा आपका पूरा साथ। लिस्ट में मौजूद ये लाइक क्रीपर कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ऐप के लिए बना है जिससे आप आसानी से किसी को भी कहीं से भी स्टॉक कर सकते हो। इसकी खासियत ही यही है कि ये बिजी से बिजी लोगों को भी स्टॉक करने से पीछे नहीं रखता। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक क्रीपर पे लॉगिन करना है। इस स्टेप के खत्म होते ही आपने जिस किसी के भी को इंस्टाग्राम पर जाने अनजाने में लाइक किया होगा, जिसके बाद शायद आपके दिल की धड़कन भी बढ़ गई होगी। ये ऐप उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको एक स्टॉकर की तरह दे देगा। और जानते हो राज की बात क्या है? ये ऐप आपको इंस्टाग्राम के सभी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को देखने की भी परमिशन बिना किसी सर्वे या फाइल इंस्टॉलेशन के देता है। यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे शख्स के पास है जो कोई भी हो सकता है। शायद वो इंसान आपका कोई दुश्मन हो, या हो सकता है आप उसे पसंद नहीं करते हो। क्या पता अभी वो शख्स आपको स्टॉक कर रहा हो और आपके घर के बाहर ही खड़ा हो। और जानते हो इस ऐप को बनाने वाली कंपनी को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि शायद ये कंपनी चाहती ही थी कि लोग इसकी मदद से बाकी लोगों को स्टॉक करें और ये कंपनी ऐसे ही गुमनाम रह के अपने यूजर्स को स्टॉक करे। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको भी अपनी स्टॉकिंग टेंडेंसीज बढ़ानी है तो ये ऐप आपके लिए काफी यूजफुल है। हालांकि हो सकता है इस ऐप को यूज कर कोई आपका भी पीछा कर रहा हो और उसे आपके पल पल की खबर हो, तो सावधान। नंबर 6, कॉल ब्लेज एंड द मॉन्स्टर मशीन 2018। सोचो, फोन से आ रही एक आवाज और वो आवाज आपके बच्चे को मारने की धमकी दे रही है। That's alright, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. सुनकर ही होश उड़ गए ना, लेकिन ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कॉल ब्लेज इन द मॉन्स्टर मशीन 2018 के गेम से आ रही है, जहां गेम कंप्लीट हो जाने पर एज अ थ्रेट बच्चे को गेम के फिक्शनल कैरेक्टर ब्लेज का फोन आता है। ये ब्लेज कॉल के शुरू होते ही Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play. इस आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो बच्चे के साथ खेलने की बात कहकर उससे ये बोलने लगता है This knife in my whirly turly hands, making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look
अब आप सोचो, एक बच्चा किसी कैरेक्टर की बातें सुन रहा है जो उसे सिर्फ डरा रहा है, ऐसे में उसकी क्या हालत होगी? उसकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी और फिर शायद हर एक फिक्शनल कैरेक्टर उस बच्चे के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा जो उसे फिर कभी इस खौफनाक आवाज को भूलने नहीं देगा। लेकिन ये कॉल इतने पे ही खत्म नहीं होती। वो कैरेक्टर आगे कहता है कि उसके हाथ में एक नाइफ है जिससे वो उस बच्चे के आर पार करके बच्चे का लुक इम्प्रूव करेगा। इस आवाज को इंग्लैंड की रहने वाली कैटिशा लॉन्ग ने अपनी 7 साल की बच्ची के रूम से सुना था, जिसके बाद ये आवाज दिन रात उन्हें और उनकी बच्ची दोनों को डराने लगी। और इस आवाज ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने मजबूरन इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ऐप को बैन करने के लिए कहा। लोगों की बातें सुनते हुए गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया। लेकिन बच्चों के लिए बना कोई एप्लीकेशन इस तरह से कैसे डरा सकता है? This knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. एप्स बनते तो लोगों के एंटरटेनमेंट और हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन इन सभी एप्स ने लोगों को एंटरटेन करने से ज्यादा उन्हें डराया है और उनकी रातों की नींद उड़ाई है। अगर इन एप्स के बारे में जानकर आपके दिल की भी धड़कन बढ़ गई है और आपके रोंगटे भी खड़े हो गए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें से कौन से ऐप ने आपकी वाट लगा दी है वो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही दिल दहला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को उस बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।